आज भी हसब रवायत कारी वही जफर कासमी साहब पहला सवाल करेंगे। जी गाइस, इल्म के हुसूल के लिए, इल्म की अहमियत के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा कुरान में आया है, ये किस सूरत में है? सूरत तोहा। टीम एक मिनट, पहले ये देखेंगे हम कि किसने सबसे पहले बजर बजाया। टीम है जी, सूरत तोहा में। सूरत तोहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, बजर राउंड का दूसरा सवाल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़ा अमजदी साहब करेंगे। जी हूँ साहब, जरा गौर से सुनिएगा फिर बजर बजाइएगा, ठीक है? ये बताएं कि कुरान करीम में हजरत तालूत का जिक्र है, ठीक है, और इसके मुकाबले में हजरत जालूत का जिक्र है, जालूत का जिक्र है। तालूत सही थे, जालूत गलत था, ये किस बारे में? टीम ए आपसे जवाब लेंगे। जी टीम ए, सयकुल आखिरी सफा, पारा नंबर दो सयाकुल, बिल्कुल सही जवाब। वाला है तीसरा सवाल मुफ्ती ऐसा नवीद नियाज़ी साहब करेंगे। जी साहब, बेटा मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा ही मशहूर शेर है, आप ये बताइए कि ये कौन से शायर का? जी शिकवाए जुलमते शेर तो पढ़ने दे बेटा, मुफ्ती साहब को शेर तो पढ़ने देना पहले, पूरा पढ़ ले। चले फिर, बजर हो गया मेरे ख्याल से, वो वही समझ में। आप शेर, शिकवाए जुलमते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। टीम बी से जवाब लेंगे, किसका शेर है? टीम सी ने बजा दिया अभी, पहले टीम बी ने बजाया था ना। चले अच्छा बताइए, टीम मैं कह चुका था। जी टीम बी आपसे जवाब लेंगे, किसका शेर है? ऑप्शन ऑप्शन दे दूं साहब? ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी अहमद फराज। जी चार ऑप्शंस दिए गए आपको। जी टीम बी, वैसे बजर राउंड में ऑप्शन नहीं होते, मुफ्ती साहब ने दे दिए आपको। जी टीम बी, थ्री टू, शिकवाए जुलमते शब वाला शेर है ना? जी यही यही, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जी जी जी, अहमद फराज। ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, बजर राउंड का पहला स्पेल मुकम्मल हो चुका है जो हमारे मेहमान करते हैं। बजर राउंड का दूसरा स्पेल आपसे आपका भाई पूछेगा। आपसे पहला सवाल है, बताइएगा कि लफ्ज मोहम्मद कुरान करीम में कितनी बार आया है? अच्छा सबसे पहले तो ये समझे ना कि बजर बहुत देर तक नहीं बजाना, कोई कुंडी तो खोलने नहीं आ रहा है ना, तो बस वो हम देख ले रहे हैं। जी बात है कि जवाब ना दें, बजर बजाएं खाली जब तक पूछा ना जाए। तो टीम बी, टीम बी जी, चार चार बार, बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा, चार साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? सी सी, टीम सी जी, अपनी वालिदा के पास। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है, बताइएगा खलीफा दोयम यानी के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों को किसने शहीद किया? एक मिनट, टीम टीम सी, अबू लोलो फिरोज। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल पूछेंगे, निजामे शमसी का सर तरीन सैयारा कौन सा है? सी गालिबन जी, सी प्लूटो। नहीं आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टीम सी जवाब नहीं दे पाई है तो माइनस टेन होगा। बजर राउंड में हम दूसरा जवाब नहीं लेंगे। आपसे अगला सवाल पूछेंगे, उस सवाल का फैसला हो गया ना कि आप जवाब नहीं दे पाए तो माइनस टेन हो गया। जी आपसे अगला सवाल है, ये बताइएगा कि बॉयल का कानून यानी कि बॉयल्स लॉ गैसियस किस बारे में? जी किसने सबसे पहले? ए ने बुझाया था मेरे ख्याल, टीम ए आपसे। गैसियस स्टेट। अच्छा ये जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना है, आपने सिर्फ बजर बजाना है। मुनसिफीन ने यह फैसला करना है कि बजर सबसे पहले किसने बजाया है, फिर उसके मुताबिक हम जवाब लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर, ओके। आपसे अगला सवाल बताइएगा, खून की वो कौन सी नाली है जो खून को दिल से दूर ले जाती है? बी आर्टरी। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है, ये बताइएगा कैंगरू किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। बी बी बी, बिल्कुल सही जवाब। ये आपका माइनस टेन हो जाएगा, कंट्रोल रूम बार बार कह रहा है कि आप अगर हमारे कहने से पहले जवाब देती है तो माइनस टेन हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग थी आपके लिए। अच्छा बताइएगा, सार्क तंजीम का हेडक्वार्टर कहां वाक़े है? भाई ये मैं ये सवाल नहीं ले रहा हूँ, मैं ये सवाल हम कोई दूसरा पूछेंगे। इतनी मतलब आप बजर बजा, एक तो बजर एक मरतबा बजाना आप लोगों ने, ठीक है, और बस वो मुनसिफिन हमारे फैसला कर लेंगे। तीन मुनसिफिन बैठे हैं आपके साथ, बिल्कुल कोई जुल्म ज्यादति जबर ये कुछ भी आपके साथ नहीं होने लगा, आपके साथ इंसाफ होगा। ऑलराइट, तो अगला सवाल पूछूंगा मैं, ये बताइएगा कि एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है? क्यों अभी शेर पढ़ रहा, कौन सा शेर पढ़ रहा हूँ बताए? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। चले शेर सुन लीजिए पहले, बहुत आसान सा शेर है, इकबाल का ही शेर है आज भी। तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में, एक मिनट। बी 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 जी साहब, बी तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है
है मजदूर के औकात बहुत है, औकात मजदूर बहुत सख्त। एक मिनट, एक है तो सवाल बहुत मस... नहीं, नहीं। एक मिनट जी जी जी, आपके लिए वक्त है। है बनता है मजदूर के औकात बहुत सख्त। नहीं बेटा ये नहीं। थोड़ा नहीं बिल्कुल, क्योंकि पिछले वाले में भी ये अहमद फराज वाले कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बन गए मजदूर के औकात। दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। बिल्कुल से बाले जिब्राइल में ये शेर मौजूद है। ओके जी, बजर राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा है।